सौ किलो विस्फोटक भरी कार से जैश आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले में मारी टक्कर, 37 जवान हुए शहीद। 2547 जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे 78 वाहन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित अवंतीपुरा इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में 37 जवान शहीद हुए और कई अन्य जवान घायल हो गए। शहीद जवानों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। उन्हीं में सितंबर 2000 में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में यह सुरक्षा बलों पर अब तक सबसे बड़ा आतंकी हमला है। गुरुवार को श्रीनगर जम्मू हाईवे पर स्थित अवंतीपुरा इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। सीआरपीएफ के काफिले में 70 गाड़ियां बताया जा रहा है। हमले में घायल 20 से ज्यादा जवानों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इनमें से कई जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस काफिले पर यह हमला हुआ वो जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था, जिसमें 2000 से अधिक जवान शामिल थे। वहीं दक्षिण कश्मीर में अलर्ट सर्च ऑपरेशन जारी। इस हमले की जानकारी मिलने के बाद तत्काल पुलवामा में मौजूद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अन्य कंपनियों के अवंतीपुरा भेजा गया। आतंकी वारदात के बाद सेना ने फिलहाल जम्मू कश्मीर हाईवे पर ट्रैफिक बंद करते हुए अवंतीपुरा और आसपास के इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके अलावा पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और श्रीनगर जिलों के इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हमले में घायल जवानों का इलाज लगातार जारी है और एजेंसियों के अनुसार लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। पहले भी आतंकी निशाने पर आए थे जवान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर गुरुवार को हुआ था हमला। 15 फरवरी 2018 को भी आतंकियों ने पुलवामा के पंजगाम स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक कैंप पर हमला किया था। इस वारदात के दौरान आतंकियों ने सीआरपीएफ के शिविर पर हमला कर कैंप में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन जवानों की सतर्कता के कारण कामयाब नहीं हो सके।